दोस्तों शड़ी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल 21,391 एग्जाम के लिए बहुत कम डेट बचा हुआ है। पूरे अगस्त में आपका एग्जाम होने वाला है, 7 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है और 28 अगस्त तक आपका एग्जाम चलने वाला है। इस बीच में देखिएगा यूपी पुलिस का भी एग्जाम डेट आ चुका है। तो यूपी पुलिस वाले जो तैयारी करते हैं अपना यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल की तैयारी करेंगे और बिहार पुलिस वाले जो बिहार पुलिस पर, तो हम मुख्यतः बिहार पुलिस पर रहेंगे। पिछले एक साल से जो मेरा पूरा का पूरा समय गया है बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल पर गया है। मैं इस बीच में ऑफलाइन में कोई भी बैच स्टार्ट नहीं किया हूँ, यहाँ तक कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं समय भी नहीं दे पाया हूँ। मेरा बस यही मकसद है कि इस बार जो इज्जत दाव पर लगा है आप लोगों का, यानी आप लोगों का मेहनत, आप लोगों का इज्जत बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए, उतना ही इज्जत स्टडी मूड फैमिली हमारा दाव पर लगा हुआ है। मेरा दिली इच्छा है कि आपके एग्ज़ाम बहुत बेहतर तरीका से हो और उसके लिए मुझे कुछ भी करना होगा मैं वो करने के लिए तैयार होऊंगा। ठीक, कुछ भी करने का मतलब चोरी नहीं करूंगा, ठीक ना। कुछ भी करने का मतलब कि ये जो चोरी है इस पर अंकुश लगाने के लिए, उसके लिए कहीं भी जाना होगा आदमी जाने के लिए तैयार रहेगा। मैं बार बार आप लोगों को इस बात के लिए अवगत कराता हूँ कि सभी लोग ये जो है कंपटीशन के दौर को एक मार्केट समझ रखे हैं, एक मार्केट जिसमें कितना जल्दी हो सके कितना पैसा जल्दी भुना लिया जाए और आगे का अपना लाइफ सिक्योर कर लिया जाए। बट कोई भी स्टूडेंट के लाइफ के लिए नहीं लड़ता है, नहीं स्टूडेंट के लाइफ के लिए खड़ा होता है। नेता लोग अपना नेतागिरी करते हैं और टीचर लोग जो अभी माफिया बने हुए हैं एक तरफ से देखा जाए, बॉडीगार्ड के साथ चलते फिरते वो लोग, वो भी आप अगर एक एक आपको कोई स्टेप उठाया जाए, अगर एक एक बात अगर उठाते हैं अपने क्लास के माध्यम से, तब पर भी जाकर कोई ना कोई स्टूडेंट का भलाई होता है। क्या बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल वाले घूरे पर फेंके हुए लोग हैं? क्या इनका फेयर तरीके से एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए? क्या इनके लिए आप आवाज़ नहीं उठा सकते अपने क्लास की तरफ से कि ऐसा कुछ होता है तो मैं आगे मुखर होकर आऊँगा? क्या रेलवे वाले ही स्टूडेंट है? क्या SSC वाले ही स्टूडेंट है? क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा होता है देने के लिए, बिहार पुलिस वाले में ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बता दूँ कि आप लोग का एक छोटा बड़ा भाई, कुछ भी गार्जियन समझिए, पटना में है और अभी युवा भी है, ठीक, मतलब थोड़ा बहुत बुजुर्ग है लेकिन अभी युवा भी है। तो आप इतना एकदम दिमाग में बैठा कर रखिए कि अंतिम दम तक लड़ाई जो है ये निरंतर जारी रहेगा। और जो लड़के आपको ये बार बार कहकर डरा रहे हैं कि इस बार भी होगा उस बार भी होगा, वो सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि वो जब चोरी होता तो वो कहने की ज़रूरत नहीं होता। पहला नंबर डर इस मामले में है कि वो पहले से सेटिंग करा रखे हैं, पैसा दे रखे हैं। अब पैसा दे रखे तो भैया पैसा फंस गया है, उनको भी पता है। यानी आप कोई भी सेटर से उठाकर ये बात पूछ लेना, आप लोग पहले जैसे आपको चलते थे ना गाँव, कोई भी ऐसा काम नहीं लेने के लिए बोल रहा है। और जो लोग ले रहे हैं समझो कि एकदम सिर्फ जूता उठाकर कपार पर सामने वाले के सिर पर रख दे रहे हैं और सामने वाला ये सोच रहा है कि हमको माला पहनाया जा रहा है। भाई तुमको एकदम टोपी पहना रहा है, ठीक। पहला नंबर कानून बन चुका है कि जो भी अगर इसमें संलिप्त होता है, साथ में स्टूडेंट भी, अगर गार्जियन भी, और आपको जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसका कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी कोई भी, तो उसको पूरी तरीके से सजा दिया जाएगा। अब ये कोई भी माध्यम से सजा हो जाएगा। कल गए मुझे जानकारी मिलेगा कि कुछ जो ग्रुप के लड़के हैं वो चोरी करने के लिए आतुर है और वहाँ पर आंसर आने वाला था, तो सभी ग्रुप के लड़कों का नंबर आपको भेजा जाएगा। ऐसा चीज़ नहीं है कि उस ग्रुप के लड़कों को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उसमें ग्रुप में लड़के एकदम बढ़िया से आए थे, एकदम उसमें कहानी चल रहा था, रामायण चल रहा था, महाभारत चल रहा था, वो देखने के लिए आ रहे थे। पहला नंबर व्हाट्सएप पर जो भी ग्रुप बनाया जा रहा है, रिसेंट समय में देखो कि 2 से 3 दिन में और भी व्हाट्सएप के ग्रुप बनेंगे। 7 अगस्त का पेपर लीक होगा, ये 11 अगस्त का आंसर हमको चाहिए, 1 घंटा पहले हम आपको दे देंगे। पहला नंबर मुझे ये बताओ आप कैसे दे सकते हो? आप इससे पहले जो चूक हुआ है उसका एक एक डिटेल्स मैंने आपको बहुत पहले ही बता चुका था कि कुछ दिन पहले पेपर आउट हुआ है, क्वेश्चन जहाँ से छपा था वहीं से पेपर आउट हुआ था। अभी तक कुछ ही लोगों को यह जानकारी होगा, कुछ लोगों को भी अभी जानकारी नहीं है तनिक भी लोगों को कि कहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर छपा रहा है, ठीक। पहला नंबर। दूसरा नंबर, 3 IPS CSBC से बदले गए हैं और उनका मेन और मेन को काम ही दिया गया है कि आपके एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से कराया जाए। यानी पहले के 3 IPS को हटाकर आपको 3 नए IPS बदले गए हैं। आपका चेयरमैन जो है बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। आप देखिएगा कि और भी बदलाव जो है 29-30 को देखने को मिलेंगे, आपको सुनने को मिलेंगे, जिससे आप अवगत हो जाएंगे कि नहीं बात एकदम सही है। ये लोग पहले से पैसा दे रखे हैं जो दौड़ रहे हैं, जो सेटिंग करा रखे हैं। यहाँ तक देखिएगा जो जितने फिजिकल भी टीचर थे अब वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि नहीं भाई पढ़ाई करने से ही कुछ होगा, क्योंकि वो भी रपेटे जाएंगे, ठीक। अगर ऐसा कुछ होता है तो आज तो वो फिजिकल कराने के लिए भी ठीक है, मतलब हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है और डॉक्यूमेंट्स लिया गया है, लाखों के रुपया में पैसा लिया गया है। और जही सही समय आएगा उसका सही एग्जाम्पल के साथ उसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो मैं आपको एक वर्बली ये वार्निंग दे रहा हूँ कि ये काम में मत पड़िएगा। जो भी है आप हमारे मित्र बनिए, आप लड़कों का मित्र बनिए, आप दोस्त बनिए वैसे लोगों का जो सच में बेचारा पसीना बहा बहा कर पढ़ाई कर रहा है और सच में तैयारी कर रहा है, जिसके लिए सीट बना हुआ है, सीट उसी को जाना चाहिए। चोर चुट्टा को एक भी सीट जाता है जो इससे पहले जा रहा था, उस पर अंकुश लगना चाहिए। अगर अंकुश नहीं लगता है तो समझिए बिहार का दुर्भाग्य होगा, क्योंकि जो चोरी कर कर जाएगा, जो पैसा दे कर जाएगा, आपका ही घर के जो महिला का कोई छेड़खानी का केस जाएगा, पहला नंबर पैसा लेगा, तब वो जाकर छेड़खानी का केस लिखेगा या उसके बारे में सोचेगा। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि हर चीज़ पैसा नहीं होता है, समाज बनाने के लिए कुछ कुछ त्याग करना पड़ता है। लोग बोलते हैं कि फ्री में मटेरियल हम नहीं देंगे क्योंकि पैसा लगता है फ्री में मटेरियल देने में। भाई तुम कितना पैसा कमा लोगे? पैसा पृथ्वी पर रह जाएगा,
ये जाएगा ना शरीर, तो शरीरों नहीं जाएगा, शरीरों आपको मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा ही होता है और वो देखता है कि मैंने कुकर्म क्या किया है और कर्म क्या किया है। ठीक, आज के ज़माने में क्या है, सब एक ही धारणा बना रखे हैं कि एक 30 मिनट का 30 सेकेंड का आपको व्हाट्सएप के या इधर इधर स्टेटस लगा दो, आपको डाल दो, पूरा उसी में पूरा का पूरा इतिहास उसमें रगड़ दो। ठीक, लेकिन हकीकत उससे आगे आप देखोगे तो है, यहाँ पर लड़ने के लिए अगर एक इंसान खड़ा है तो उसको भी पीछे खींचने के लिए, धमकी देने के लिए हजारों फोन आ रहे हैं कि नहीं आपको इस बार कुछ नहीं बोलना है, आपको सीढ़ी से नहीं उतरने दिया जाएगा, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा पता होना चाहिए कि हम लोग मिट्टी से उठे हुए इंसान हैं और हम लोग को जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे तो ये मिट्टी में मिलेंगे, ये शरीर लेकर ऊपर जाने वाले नहीं हैं। तो एक बात तो हम तो डरने वाले हैं नहीं, पहला नंबर आपको बोल देते हैं जो भी ये चीज़ है। और दूसरा नंबर कि पटना में रहेंगे तो एक बड़े भाई एक गार्जियन के तरफ पर हैं, ये लाखों लोगों का जिम्मेदारी है मेरे ऊपर कि ये सरीका से फेयर एग्ज़ाम हो जाए, और फेयर एग्ज़ाम के लिए कुछ भी करना हो करना पड़ेगा। ठीक, आयोग से रिक्वेस्ट होगा आप जितना हो सके कड़ाई कीजिए, सेंटर अदर डिस्ट्रिक्ट में दिए कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर आपको इधर से इधर दे दीजिए, आपको जो रिपोर्टिंग टाइम है वो रिपोर्टिंग टाइम में गेट बंद करना होगा, और अगर गेट नहीं बंद होता है उस कॉलेज पर एक्शन लीजिए, उस कॉलेज के जो मजिस्ट्रेट है उसको निष्कासित कीजिए, क्योंकि हर सेंटर पर एक बार समझ लीजिए जितने भी 40 का 40 सेंटर बना हुआ है बिहार में, 40 सेंटर पर मेरा आदमी रहेगा, मेरा लड़का रहेगा, और वहाँ पर हर सेंटर पर लड़के रिकॉर्डिंग करते रहेंगे, ये सभी बंदोबस्त हो चुका है। ठीक, और हर सेंटर का मेरे पास वीडियो आएगा कि किस सेंटर पर क्या बवाल उठ रहा है, और उस पर एक्शन लिया जाएगा। अगर CSBC नहीं लेता है, आर्थिक अपराध इकाई नहीं लेता है, यहाँ की सरकार नहीं लेते हैं, तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, वहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन एक्शन लिया जाएगा, पूरा मीडिया के साथ आदमी एक जाल की तरफ बना लिया गया है, यानी 7 तारीख को एग्ज़ाम जो है फेयर तरीका से लेना पड़ेगा और लिया जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है, जैसा आश्वासन दिया गया है एकदम बेहतरीन एग्ज़ाम लिया जाएगा। सभी स्टूडेंट्स से मैं बोलूँगा फालतू के चक्कर में ना रखिए, क्योंकि आपको नियम बन चुका है, अगर आप आपके गार्जियन या आप कोई भी संस्था इसमें पाया जाता है तो प्रॉपर सज़ा मिलेगा। एक बार अगर फंस जाओगे ना पूरा ज़िंदगी भर कोई भी एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाओगे, साथ में आपके घर का कुर्की भी होने की संभावना पूरी बना रहेगा। ठीक, तो वो जो धब्बा है ना, भले पुलिस बने चाहे ना पले, बने तो ईमानदारी से पढ़कर बनो, अभी भी समय है, पूरा पढ़कर बनो, कहीं से पढ़कर बनो अभी भी समय है। लेकिन ये जो धब्बा तुम्हारे अंदर लग जाएगा ना, फिर तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माँ एकदम सर उठाकर बाहर नहीं निकलेंगे। एक बार समझ लो, पहले वाला जो बना लिए हो ना, वो पहले वाला चीज़ रहा ही नहीं है, लोग तत्पर हो चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं, और मेरा टाइम हमेशा, मेरा जो टीम होता है हमेशा एक्टिव रहता है। ठीक, मैं शांत रहता हूँ, लेकिन ऐसा कोई ग्रुप नहीं है बिहार में जिसमें मेरा टीम के लोग नहीं है। सही समय पर सही एक्शन लिया जाएगा और पूरा बिहार जानेगा कि सही समय पर सही एक्शन लिया गया है स्टडी मूड द्वारा। ये एक फैमिली है स्टडी मूड, ऐसे तो टूट नहीं सकता, फैमिली तो ऐसा नहीं टूटेगा ना भाई, इतना बड़ा फैमिली बन चुका है 6 लाख से ऊपर, और ये सभी प्यार है, अपने स्टूडेंट का विश्वास है कि कोई है पटना में जो सच में बिहार पुलिस के लिए बोल रहा है। एक साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं लेकिन एक ही बैच है, बिहार पुलिस, बिहार पुलिस, बिहार पुलिस। सब लोग यही बोलते हैं कि सर दरोगा का कब तैयारी शुरू की जाएगा, BR SSC का कब किया जाएगा, ये सब आपको सेट कब स्टार्ट किया जाएगा। मैं हमेशा एक ही सबका जवाब देता हूँ, ये जो कीचड़ फैला रखे हैं ना, जो वर्दी का आपको तार तार कर रखे हैं, इसमें सुधार लाना जरूरी है। ये लड़कियाँ हों या लड़के हों, दोनों के लिए जरूरी है। पढ़ने वाले लड़के भी बेचारा तरस जाते हैं एक सीट के लिए बिहार पुलिस में, और एंसर वाले आपको निकल कर चले जाते हैं। एक दिन खेत में जाकर 1 घंटा पहले पढ़ाई करते हैं और वो जाकर डीलिंग बाजी करते हैं कि हमने ऐसे तैयारी किया है, वैसे तैयारी किया है, और इस तरीके से रिजल्ट लाए, तुम्हारा फिजिक्स कमज़ोर है तो तुम्हारा केमिस्ट्री कमज़ोर है। 12-12 घंटा लड़के पढ़ाई कर रहे हैं और वो 12-12 घंटे लड़की का पढ़ाई, या वार्निंग समझा जाए या रिक्वेस्ट समझा जाए आयोग या सरकार से, ये आपको नहीं जाना चाहिए। इस बार जो है इतिहास बनना चाहिए, और बिहार में बिहार पुलिस के लिए इतिहास बनना चाहिए, जैसे दरोगा बिहार BPSC इस बार देखिए अच्छे तरीके से जो एग्ज़ाम लिया है, कुछ छुटपुट जगह छोड़ दिया जाए, तो इस बार 18 लाख लड़के हैं, एक दिन में एक शिफ्ट हो रहा है, तो बेहतर तरीके से एग्ज़ाम लिया जाए। और सुनो पढ़ने वाले लड़के, दिमाग से निगेटिव निकाल दो, मैं बैठा हूँ ना, मैं ये नहीं पूरी तरीका से अंधभक्त की तरह तुम हम पर ही विश्वास करो, ऐसा चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना काम करूँगा, तुम अपना काम करो, पढ़ाई करो, अगर होगा तो दोनों लोग आपको कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाई करेंगे, हम आगे फ्रंट पर रहेंगे, आपको रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, आपका करियर में करियर आपका जरूरी है, मेरा आवाज़ फंस रहा है इसलिए मैंने क्लास देखोगे पोस्टपोन किया है। कल फिजिक्स का आपको मैराथन होने वाला है, यानी कि आपको देखिएगा 27 जुलाई को 12 बजे से डेली मैं मैराथन आपको कर दिया हूँ कि चलो भाई कम से कम लड़कों को PDF भी मिलेगा, चिंता मत करो, टीम को भेजा हूँ, टीम लगा है फिजिक्स के क्वेश्चन बनाने में, समय लगता है भाई, देखो सब आगे का सभी काम आपको शेड्यूल है, वन लाइनर क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ फ्री में, वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम से पहले रट कर जाओ, बढ़िया से आपका रिवीजन हो जाए, आप लोग अंदर से मजबूती हासिल करो, फ्री में आपको टेस्ट मिल रहा है टेलीग्राम पर, आप देखोगे तो मजबूती अंदर से होना चाहिए, विश्वास अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये सभी जो किया गया है ना, ये अंदर से विश्वास लाने के ही किया गया है। वीडियो का बनाने का मकसद और मात्र मकसद है, अभी मैं वीडियो कोई नहीं बनाता, क्योंकि मैं आप देखोगे कि ये कुछ आपको बुक लेकर मैं बैठा हूँ, यहाँ पर देखोगे या 9th का 10th का दोनों का बुक है, साइंस का, यह देखोगे ये देखो दोनों बुक मैं लेकर बैठा हूँ, क्वेश्चन बना रहा था, टिक लगा रहा था कि कहाँ से सिलेबस से क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ से टॉपिक जरूरी है, और कहाँ से हम कल फिजिक्स में क्वेश्चन कराएंगे, 8 से 10 चैप्टर है दोनों मिला जाए, 9th और 10th मिला लिया जाए, तो यही आपको ध्यान में रखना है कि जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, बाकी जिसको जो भी करना है करने दीजिए, कहना दीजिए
वो तो 7 तारीख को पता चल ही जाएगा कि किसमें कितना दम है, ठीक। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा बात कहा हुआ हरदम सत्य होगा, 100% सत्य होगा, लेकिन मैं हमेशा ये बोल रहा हूँ अगर गलत हुआ तो सबसे पहले फ्रंट पर हम लड़ते हुए दिखाई देंगे, उसके लिए कुछ भी हो जाए, यानी कुछ भी हो जाए, इसके यहाँ पर इफ एंड बट कुछ नहीं है, उसके लिए कुछ भी हो जाए हम सामने लड़ते हुए दिखाई देंगे। और मेरे साथ जितने भी सहयोग करना चाहते हैं यानी जितने भी जुड़ना चाहते हैं प्लीज़ जुड़िए। टीचर से रिक्वेस्ट है आप वीडियो बनाने शुरू कर दीजिए, आप अपने माध्यम से ये बात फैलाइए हमेशा। जब आप बिहार पुलिस की तैयारी कराते हैं, बिहार पुलिस के लड़कों को मोटिवेट करते हैं, दरोगा की भर्ती आपको दिलवाते हैं या आप दरोगा की तैयारी कराते हैं, तो दरोगा का ही एक छोटा वाला भाग बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल है। ईमानदारी से लड़के जाएंगे प्रशासन में तो ईमानदारी से काम करेंगे। तो सभी टीचर से भी पटना का रिक्वेस्ट है, ऐसे मुंह पर चुप्पी मत बांधिए। रेलवे SSC CGL ये सब का जब एग्जाम होता है तब अकड़ कर बोलते हैं। अभी आप बोलिए अगर कोई भी लड़कों के साथ गलत होता है तो फ्रंट पर हम दिखाई देंगे और फ्रंट पर हम लड़ेंगे, बच्चा तुम लोग आगे कुछ मत करना क्योंकि तुम्हारे लाइफ के सवाल है, जब तुम लोग का जरूरत पड़ेगा तब आपको बुलाया जाएगा। सो मैं तो यही बोलूंगा भाई, तुम लोग तैयारी करो, बेस्ट एकदम बेहतरीन तैयारी करो। और मैं तुम्हारे हाथ से ये देखना चाहता हूँ, यानी विनर का चेन देखना चाहता हूँ, ये आपको वर्दी का जो सपना है ना आपके ऊपर, मैं ये टी शर्ट पहनाऊँ इसे मत सोचना, जस्ट लाइक सोचो कि वर्दी तुम्हारे शरीर पर आ गया है, वो जो वर्दी का सपना है ना वो पूरा होना चाहिए। अब जो वर्दी ये ईमानदारी पूर्वक से मिलेगा अंदर अलग ही चमक रहेगा, अलग ईमानदारी से जॉब करोगे, ये जो करप्शन चल रहा है ना इस पर आपको कुछ ना कुछ अंकुश लगेगा। कहा जाता है कि ऊपर से लोग गड़बड़ है, भाई नीचे से भी साफ किया जा सकता है। अपने घर से साफ करनी स्टार्ट करो ना, पूरा मोहल्ला साफ करो, फिर गांव साफ करो, पूरा शहर साफ हो जाएगा। अंदर से भी साफ किया जा सकता है, अंदर से साफ करने की योजना शुरुआत हो चुका है। लड़के डरो मत, पढ़ाई करो निरंतर, कटअप के लिए सोचो मत। लड़कियां मैं बता रहा हूँ, बस ईमानदारी से तैयारी करते रहो, जितना दिन है झोंक दो अपने आप को, ये सब चुट्टी चुट्टा से मत डरो, इसका हिसाब किताब हो चुका है, अटेंडेंस बहुत गिरने वाला है, कटअप ज़्यादा नहीं जाएगा, मैं बार बार बताऊँ सिर्फ स्कोर। लड़के जो है कोशिश करो अपने तरफ से, कोशिश कर सकते हो ना 60 करने के लिए स्कोर कोशिश करो सेट में, और लड़कियां 50 करने की कोशिश करो, कम भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर एनर्जी बैठाए रहो और ये सब झमेला से दूर रखना। तुमको लोग फंसा देंगे फिर आगे निकल जाएंगे और बच जाएंगे, तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, फिर बाद में हमारे पास आएगा। पिछली बार मुजफ्फरपुर का एक लड़का आया था, सर जी हमारा करेक्टर खराब हो गया, आपका बात मान लिए रहते तो सही होता। देखो बात अगर सही समय से मांगोगे ठीक होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चोरी होगा तो मैं बोलूँगा नहीं और आपके सामने लड़ूंगा नहीं, मैं हमेशा लड़ूंगा और आपको भी बोलूँगा कि आवाज़ उठाइए और आवाज़ उठाना होगा। इस बार तो पूरा बिहार जाना था ना, मैं बार बार ये दावे के साथ कहता हूँ, इस बार पूरा बिहार जाना था, अगली बार पूरा इंडिया का एक एक स्टेट जानेगा कि बिहार में अगर बिहार पुलिस के बढ़िया से एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जा सकता है तो कुछ नहीं कराया जा सकता है, ये मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, ठीक। तो मैं आपको ये धमकी नहीं दे रहा हूँ, ना किसी प्रशासन से मैं धमकी दे रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये नुनुआ सबका बढ़िया से तैयारी हो चुका है, इसका बस बढ़िया से एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाए। और ये जो चोरी करने वाले हैं ना, जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, एक समय आएगा जब इसके सामने तुम वर्दी तान कर चलोगे और ये सब कहेगा भैया पैसा भी दे ले रही सेटिंग ना, भाई गड़बड़ हो गई, अगली बार सेटिंग हुई। और ऐसी मैं चाहता हूँ कि ये फील्ड में दौड़ते रहें, लेकिन हमेशा फील्ड में दौड़ते रह जाए, ठीक। ये मैं मेरा दिली इच्छा है कि ये फील्ड में दौड़े और हमेशा दौड़ते रह जाए। और मुझे पूरा भरोसा है इस बार 5 से 6 फिजिकल टीचर तो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक, पूरी तरीका से जाएंगे और बेहतरीन तरीका से जाएंगे, जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। तो संभल जाइए, आप लोग भी तैयारी कराते हैं तो ये सब गंदा काम करना हरकत आपको भागलपुर वाले टीचर, पट्टा के टीचर, ये जो है हाजीपुर के कुछ टीचर हैं, और आपको छपरा वाले, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, समझ जाइए, ये डॉक्यूमेंट्स लेना ये सब बंद करिए, ये बहुत ही बुरा चीज़ होता है, किसी के ईमानदारी वाले लड़कों के पेट पर आप लोग लात मार रहे हैं, ये मत कीजिए। लंबा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन 29-30 का इंतजार करो, आकर हकड़ कर बोलेंगे और पूरे दावे के साथ बोलेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक। और मैं तो तुम लोग जानती हो यह स्टडी मूड चैनल है, एज अ फैमिली है, हम लोग फैमिली मेंबर की तरह काम करते हैं, कल तुम पर अगर कुछ आता है तो तुम्हारे सामने हम खड़ा रहेंगे, कल मुझ पर कुछ आरोप आएगा तो कुछ या ऐसा कुछ आएगा तो आप लोग भी मेरे साथ खड़ा रहिएगा, बस ये कहीं खड़ा रहो साथ में, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी तो इतना एनर्जी है, इतना है कि थोड़ा सा आदमी बुजुर्ग हो गया लेकिन अभी भी युवा वाला शक्ति है, तो आदमी कुछ काम करेगा, बेहतरीन काम करेगा। एनर्जी के साथ तैयारी करो, सेट लगाओ पूरा बेहतरीन, और ओपन टेस्ट जो NIT पर लेते हैं उसमें पार्टिसिपेट करो। देखो समय नहीं मिल पाता है तो देखो मैं पूरी तरीका से रैंक नहीं तैयार कर पाता हूँ, लेकिन पूरा कोशिश होता है, अपने टीम का बैठा कर कॉपी चेक करा लिया जाए और आप लोग का डाटा लिया जाए, तो कम से कम टॉप टिपिकल घोषित कर दिया हूँ, रैंक भी आपका आ जाएगा, कॉपी चेक हो चुका है, ऐसा बात नहीं है कि कॉपी चेक नहीं हो, मार्कशीट चेक हो चुका है, बस तैयारी लगे रहो भाई। तुम्हारा वर्दी पाना मतलब मेरा सपना है कि तुम वर्दी पाओ, मेरा सपना है कि ईमानदारी पूर्वक तुम एग्जाम निकालो। और लड़कियां पढ़ने वाली चिंता मत करो, इस बार तुम्हारा सब दुख खत्म होने वाला है, ठीक, बशर्ते ओमआर सीट में गलती मत करना, एग्जाम में शांति से जाकर एग्जाम देना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोई कटअप उठप इस पर बात नहीं करना, क्योंकि कटअप बहुत ही कम जाएगा, आप ही जानते हो, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, ये डिपेंड करेगा किस शिफ्ट में कितने लड़के आ रहे हैं, बस 7 तारीख का विकेट गिरेगा ना, सारा आगे का विकेट गिरते चले जाएगा ये चोर चट्टन के, ठीक।
कुछ नहीं होने वाला है, बेहतरीन एग्ज़ाम करो। बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है, मैं आपको हर चीज़ खुलकर कैसे बता सकता हूँ। आयोग जो सही समय पर आपको जानकारी देता है वो भी आप लोगों के साथ साझा होता है, उसको नोटिस के माध्यम से इन्फॉर्मेशन अलग अलग टाइप पे आता है वो भी साझा किया जाता है। तैयारी करो। ये जो उलझुल जो है ना, बहुत दिन पहले देखोगे बहुत से लोग बोलते थे होगा ये चीज़ होगा वो चीज़ होगा, यूट्यूब पर भी आकर बोलते थे, अब उनका भी बोली चुप हो चुका है। क्योंकि पता है समुद्र की गहराई में उतरोगे तभी पता चलेगा कि समुद्र की गहराई में कितना दाब होता है। ठीक, ऐसे ऊपर से नहीं दिखाई देगा, ऊपर से समुंदर नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन होता है, तो दाब नहीं महसूस करोगे बबुआ। दाब तो नीचे जाने पर पता चलेगा, 1000 फीट नीचे जब कान से खून नहीं निकल आया तो फिर बात करना। तो दाब तभी महसूस करेगा जब अंदर इंटरनल पार्ट बनोगे। बस यही कहकर मैं तब आपको समाप्त करता हूँ। एनर्जी के साथ लगे रहो, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद।